हे एवरीवन, वेलकम टू कैपस्टोन आईएएस लर्निंग। आप लोगों ने ट्यून इन किया है हमारे स्पेशल क्रैश कोर्स के अंदर, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर टॉपिक की। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हमने आज जो इस लेक्चर के अंदर टॉपिक कवर करना है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनफैक्ट 2019 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने इससे रिलेटेड सवाल भी पूछा था। हमें इसे ध्यान से कवर करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए देखते हैं आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। ऑल दोज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को नोट कर लेने हैं। आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, सब चीजें अवेलेबल होंगी, लेकिन दीज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स आर समथिंग जिसमें से यूपीएससी प्रीलिम्स में तो सवाल पूछती ही पूछती है, लेकिन देर आर चांसेस के मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सके। सो हमने इस कोर्स को इसी तरीके से डिजाइन किया है कि आप क्रैश कोर्स के रूप से इंडस वैली सिविलाइजेशन के इस टॉपिक को ध्यान से कवर कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं, देरी नहीं लगाएंगे, सेशन की शुरुआत करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ध्यान से देखिएगा एंड इसमें रीजनिंग में आपने जाना है। चलिए सबसे पहली चीज, जो सेटलमेंट्स थी वो ज्यादातर केसेस में हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट्स वर अराउंड रिवर बैंक्स। नाउ कारण क्या था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था वो था ड्यूरिंग द इंटरग्लेशियल पीरियड। यहां पे इंटरग्लेशियल पीरियड ऑफ द क्वार्टरनरी फिफ्थ आइस एज का इंटरग्लेशियल पीरियड जो है, आई ए लिख रहा हूं यहां पे, आइस एज है, तो इंटरग्लेशियल पीरियड जो है शुरू हो गया था। मतलब अब जो आइस कैप्स थी, पोलर आइस कैप्स कह लीजिए, जिसे पोल्स के ऊपर जो आइस कैप्स थी वो मेल्ट कर रही थी, एंड वो मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स वाज क्रिएटिंग अ स्पेस, एक जगह बना रही थी, एंड वो जगह जो थी वो कौन ले रहा था, वो रिवर्स ले रही थी, एंड इन्हीं रिवर्स के आसपास वेजिटेशन ग्रो हो रही थी, एंड इन्हीं रिवर्स के पास ये देखा जाता था कि ज्यादातर सेटलमेंट्स, जितनी भी आईबीसी की सेटलमेंट्स है, वो प्रोटो रिवर्स, जो पुरानी रिवर्स थी उस समय की, उन्हीं रिवर्स के बैंक्स के ऊपर पाई जाती थी। Now it belonged to Bronze Age. देखिए बहुत सारे लोगों को एक confusion होती है, Indus Valley Civilization is not an age or period in itself. ये एक geological time scale के ऊपर कोई bifurcation या कह लीजिए कोई भी demarcation नहीं है, लेकिन Indus Valley Civilization existed during one particular age and that is Bronze Age. भारत के अंदर जब Bronze Age आई हुई थी उस समय Indus Valley Civilization exist करती थी। इनफैक्ट जो इसकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस हैं, दीज आर इजिप्ट की इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन, चाइनीज और साउथ एशियन सिविलाइजेशन, ये चारों की चारों जो है हमारी कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी मतलब एक साथ जो चलती थी, कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थी। तो इन्हीं कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस में ऐसा नोटिस भी किया गया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसको जनरलाइज करके अगर हम बोलते हैं तो साउथ एशियन सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं, तो इसका ट्रेड लिंक इजिप्ट, मेसोपोटेमिया और चाइना सबके साथ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज द फर्स्ट मेजर सिविलाइजेशन इन साउथ एशिया विच स्प्रेड अक्रॉस अ वास्ट एरिया ऑफ लैंड इन प्रेजेंट डे इंडिया और पाकिस्तान। सो अगर हम एक्सटेंशन देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो नॉर्थ में, अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहां पर क्या है, यहां वेस्ट है और यहां ईस्ट है। तो नॉर्थ नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट अगर हम देखें, दैट इज मांडा इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड उसके बाद अगर वेस्ट की बात करें तो इट इज सुतका गंडोर, ये ईरान बॉर्डर नियर अफगानिस्तान में, ईरान के पास पड़ता है ये, एंड देन साउथ में दायमाबाद तक फैला हुआ था, महाराष्ट्र में है ये, आलमगीरपुर जिसका आज जगह जो पड़ती है वो मेरठ पड़ती है, आलमगीरपुर इज इन मेरठ यूपी। नाउ ये एक्सटेंट है, ये एक्सटेंशंस हैं ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट इस तरीके से सवाल आए तो यहां से वो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं, मेन फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते हैं। द मोस्ट ऑफ दीज सिविलाइजेशन, मोस्ट ऑफ नॉट सिविलाइजेशन, मोस्ट ऑफ दीज सोसाइटीज, जिस तरीके से आज फ्लैट्स वाली सोसाइटीज होती हैं उसी तरीके से उस समय कुछ कल्चर्स इम्बाइब होके आ रहे थे, कल्चर्स निकल के आ रहे थे, उन कल्चर्स को, सोसाइटीज को कलेक्टिवली हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। तो ये जो कल्चर्स छोटे छोटी जगहों से निकल के आ रहे थे, मोस्ट ऑफ देम वर नियर द रिवर इंडस, पर्टिकुलरली एट द बेंड्स, जहां पे रिवर बेंड हो रही थी इस तरीके से, तो यहां पे सेटलमेंट थी।
यहां सेटलमेंट थी, ऐसा नहीं था कि यहां सेटलमेंट थी। तो ऐसे में ऐसा भी नहीं कि आप कह सकते हैं कि यहां पे जनरलाइज किया जा सकता, लेकिन जहां जहां बैंड्स थे वहां स्पेसिफिकली सिविलाइजेशन जो थी पाई जाती थी। कारण क्या था? रिवर जो थी, क्योंकि उस समय बहुत जिस एरियाज में ये सेटलमेंट्स देखी गई हैं, रिवर वॉज इन इट्स यूथफुल स्टेज, अपने यूथफुल स्टेज में थी, जिसकी वजह से ये देखा जाता था। रिवर वॉज एक्टिंग एज अ नेचुरल बाउंड्री, ये यहां लिखा नहीं हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, एक नेचुरल बाउंड्री के तौर पे एक्ट करती थी। इस वजह से दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ये बेंड्स के ऊपर ये सारी की सारी सेटलमेंट्स हमने देखी हैं। ऑल द साइट्स कंसिस्टेड ऑफ वॉल्ड सिटीज, ऑल द साइट्स कंसिस्टेड ऑफ वॉल्ड सिटीज। तो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के ऊपर पूरा ध्यान दिया गया था, पूरा माइंड लगा के, दिमाग लगा के ये सारी चीजें प्लान की गई थी। सिटीज वर प्लान्ड विच प्रोवाइडेड सिक्योरिटी टू द पीपल। There is evidence also of fortifications. कई जगहों पे fortification के भी हमें evidence मिलते हैं, examples मिलते हैं, with gateways enclosing the walled cities, which shows that there may have been a fear of being attacked. तो ऐसा warlike situation भी exist कर सकती थी उस समय, ऐसा प्रतीत होता है, evidences मिलते हैं। The cities had rectangular grid pattern. कोई ऐसा शख्स होगा जिसको मैथ्स बहुत पसंद होगा, तो उसने रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न जो है बनाया था। रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न अगर आपने समझना है तो जैसे चंडीगढ़ की सड़कें हैं सीधी सीधी इस तरीके से, सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न विद रोड्स दैट कट ईच अदर एट राइट एंगल्स, 90 डिग्री पे जो है इस तरीके से एक दूसरे को कट करती थी। दिस इज अ 90 डिग्री एंगल। द इंडस वैली पीपल यूज्ड स्टैंडर्डाइज्ड बर्नड मड ब्रिक्स। तो अब जैसे भट्टी में जला के मिट्टी की ब्रिक्स बनाई जाती थी, स्टैंडर्डाइज उसकी शेप होती थी, उसका साइज फिक्स होता था, बिल्कुल फिक्स होता था साइज उसका। साइज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, अगर साइज इंपॉर्टेंट होता, मेरे पास साइज है, बट यहां पे सवाल नहीं पूछा जाएगा। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो साइज था दैट वॉज स्टैंडर्डाइज। एज बिल्डिंग मटीरियल की भी अगर हम बात करें तो पहली चीज तो बर्न थी, दूसरी मड से बनी हुई ब्रिक्स यूज की जाती थी। So, ये चीज आपने ध्यान रखना है। मेनी थिक लेयर्स ऑफ वेल बेक्ड ब्रिक्स लेड इन जिप्सम मोर्टार। जिप्सम के मोर्टार के अंदर बहुत सारी ब्रिक्स को ले डाउन किया जाता था। दे वर जॉइंड टुगेदर विद फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग होल कंस्ट्रक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग। तो कंस्ट्रक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिप्सम जो है सीमेंट का काम करता था, जिप्सम यूज किया जाता था इंस्टेड ऑफ सीमेंट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसे आपने नोट कर लेना है, यूपीएससी इस पे सवाल पूछ सकती है। देयर इज एविडेंस ऑफ बिल्डिंग ऑफ बिग डायमेंशंस, बड़ी बड़ी बिग डायमेंशंस वाली बिल्डिंग्स जो थी वो एग्जिस्ट करती थी, विच परहैप्स वर पब्लिक बिल्डिंग्स। तो ऐसा पब्लिक प्लेसेस जो है उसके भी एविडेंसेस मिलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज हो सकते थे उनके, बिजनेस सेंटर्स हो सकते थे, ग्रेनरीज हो सकती थी जहां पे अनाज इकट्ठा किया जाता था, पिलर्ड हॉल्स देखे गए हैं, कोर्टयार्ड्स देखे गए हैं। कोर्टयार्ड्स कह लीजिए जहां पे एक रूलर कह लीजिए, एक रूलर या एक एडमिनिस्ट्रेटर जो था उसका उसका घर हुआ, तो उसके घर के बाहर का जो एरिया बरामदा जिसको आप कह सकते हैं, दैट वॉज कोर्टयार्ड्स। एंड पिलर्ड हॉल्स थे, जैसे आज मैरिज पैलेसेस में आप देखते हैं पिलर्ड हॉल्स होते हैं, उसी तरीके से उस समय भी पिलर्ड हॉल्स एग्जिस्ट करते थे। स्मॉल वन रूम्ड कंस्ट्रक्शन दैट अपीयर टू बी वर्किंग पीपल्स क्वार्टर्स, तो सर्वेंट क्वार्टर्स भी हुआ करते थे। सो बेसिकली अगर हम देखें तो क्लास डिफरेंशिएशन भी एग्जिस्ट करती थी, क्लास डिफरेंशिएशन, सो दिस ऑल्सो एग्जिस्टेड। इस चीज को हमने समझ के चलना है। लोथल एन इंपॉर्टेंट साइट, लोथल इन गुजरात ऑल्सो हैज द रिमेन्स ऑफ अ डॉकयार्ड। पुराने समय में दी ओल्डेस्ट नोन इंडियन डॉकयार्ड जो है वो लोथल गुजरात में पाया जाता था। नो डाउट गुजरातीज आर नोन फॉर देयर बिजनेस टैक्टिक्स। लोथल वॉज वन ऑफ द सेंटर्स जो कि भारत के प्रोड्यूस को, इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करने में मदद करता था। अ वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, ये एक चीज है जो सबको पता होती है, स्कूल टाइम से अभी तक याद होती है। एक वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम था रेजिडेंशियल पार्ट्स ऑफ द सिटी के अंदर। स्मॉल ड्रेन्स फ्रॉम द हाउसेस वर कनेक्टेड टू लार्जर वंस अलोंग द साइड्स ऑफ मेन रोड्स। तो घरों से छोटी छोटी नलियां निकल के आती थी और वो बड़ी नालियों में जाके मिल जाती थी, तो ड्रेनेज सिस्टम यूज टू बी प्रॉपर। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं।
देखते हैं और क्या क्या चीजें मिली इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें एविडेंसेस मिले ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियां मिली। दिस शोज दैट हाउसेज वर ऑफन डबल स्टोरीड, मतलब एक मंजिला हाउस नहीं था, अलग अलग दो मंजिला हाउस था, तीन मंजिला हाउस था, तो अलग अलग फ्लोर्स हुआ करते थे। डोर्स वर इन द साइड लेन्स, मतलब फ्रंट में दरवाजा नहीं हुआ करता था, यहां साइड में, यहां ऐसे साइड में दरवाजा हुआ करता था। तो आगे दरवाजा नहीं हुआ करता था, आगे खिड़की हुआ करती थी जहां से एंट्रेंस है। फॉर एग्जाम्पल यहां से एंट्रेंस है, ये आपका मेन वॉल आ गई, तो यहां दरवाजा होता था, यहां नहीं होता था। टू प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम एंटरिंग द हाउसेस, तो ये चीज आजकल आर्किटेक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो जो वो ये चीज यूज कर रहे हैं अगर उनसे पूछें तो वो बताएंगे आपको कि हम ये डिजाइन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये आइडिया चुरा के लेके आए हैं। स्पिनिंग ऑफ कॉटन एंड वूल वर कॉमन, तो ऊन भी थी और कॉटन भी थी, दोनों की दोनों एंटिटीज थी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस तरीके के सवाल एमसीक्यूज में, प्रीलिम्स में यूपीएससी पूछती रहती है, आपने ख्याल रखना है। इनफैक्ट 2019 का सवाल समवॉट सिमिलर था, हॉर्सेस के ऊपर सवाल था। ये सारे फैक्ट्स जो हैं हम कवर करेंगे पूरी डिटेल में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हरप्पन आर्किटेक्चर आर देयर सुपीरियर टाउन प्लानिंग स्किल्स। इस चीज को कोई भी डिनाई नहीं करता है कि आईवीसी का जो टाउन प्लानिंग स्किल्स की अगर हम बात करें तो वो लाजवाब था, वो काबिले तारीफ था। इनफैक्ट आज के भी जो शहर हैं वो इस टाउन प्लानिंग स्किल्स को जो है मात नहीं दे पाते बहुत जगह पे। तो सुपीरियर टाउन प्लानिंग स्किल्स थे। सिटीज दैट हैव बीन बिल्ट ऑन क्लियर जियोमेट्रिक पैटर्न्स और ग्रिड लेआउट्स, तो ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ, ऐसा नहीं कि कहीं जगह थी वहां पे लोग आके रहना शुरू कर देते हैं एंड उसके बाद जो है जिसको कहते हैं कि गंद फैला दिया जाता है। एंड जैसे दिल्ली का शहर है जहां पे शहर जो था वो कुछ चीजों को सस्टेन कर सकता था लेकिन और लोग आते गए एंड वो शहर क्या बन गया उसका कुछ आइडिया नहीं, छोटी छोटी तंग गलियां हो गई वगैरह वगैरह। लेकिन यहां क्या था, एक डेफिनेट पॉपुलेशन के लिए डेफिनेट एरिया देखा जाता था, एक क्लियर ज्योमेट्रिक पैटर्न के तहत उस शहर को खड़ा किया जाता था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज द इंडस वैली सेटलमेंट्स वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स, दे वर ऑफ्टन डिस्ट्रॉयड बाय मेजर फ्लड्स, तो बहुत बार ऐसा देखा गया था कि मेजर फ्लड्स आते थे और वो सेटलमेंट्स डिस्ट्रॉय हो जाती थी। ऐसा कई जगहों पे एविडेंस मिला है जहां पे लोगों की रिमेन्स, ह्यूमन रिमेन्स जो है वो मिले हैं इन द पोजिशन एज इफ देवर रनिंग, वो किसी चीज से भाग रहे हो, तो ऐसे रिमेन्स मिले, ये भी एक एविडेंस है। इन स्पाइट ऑफ दिस कलैमिटी इंडस वैली पीपल बिल्ट फ्रेश सेटलमेंट्स ऑन द सेम साइट, सेम साइट के ऊपर दोबारा सेटलमेंट्स। अब जब खुदाई की जाती है, जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस होती हैं, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस जब होती हैं तो पता चलता है कि यही सेम चीज दोबारा बनाई जा रही है। पता चलता है कि उस समय के लोग जब एक बार कोई चीज ढह जाती थी, फॉर एग्जाम्पल आजकल ये होता है कि जहां पे आप जिस शहर में बिलोंग करते हैं वहीं पे ही आप मकान को तोड़ते हैं और उस मकान को वहीं पे ही बना लेते हैं। उसी तरीके से इंडस वैली वाले लोग भी यही काम कर रहे थे, तोड़ रहे थे और बना रहे थे, टूट रहा था नेचुरल कैलामिटीज से और फिर से बना रहे थे। Thus, layers upon layers of settlements and buildings were found during the excavations. Excavations जब की, तो layers पे layers जो है मिली थी। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें मिली। ये है द ग्रेट बाथ, द नहीं लगाया, यहां पे द लगना है, द ग्रेट बाथ। तो अब यहां नोटिस कीजिए, पहली चीज तो यही, यहां स्टेयर केस है, यहां पे स्टेयर केस है, तो यहां पे भी स्टेयर केस है और यहां पे भी देखिए ग्रेडेशंस के साथ आपको यहां पे, यहां पानी हुआ करता था, यहां इस एरिया में पानी हुआ करता था, तो यहां पानी के एरिया के अंदर आने के लिए आपके पास ग्रेडेड अप्रोच थी। कौन सी अप्रोच? ग्रेडेड, ग्रेडेशन वाली अप्रोच, ग्रेडेशन अप्रोच मतलब धीरे धीरे करके आप जो है पानी तक पहुंचेंगे। पब्लिक बाथ दैट वॉज डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो, ये मोहनजोदारो में हुई मिला। दिस इज स्टिल फंक्शनल एंड देयर इज नो लीकेज और क्रैक्स, इसको इतना परफेक्टली लाइन किया गया था। दिस वॉज लाइंड बाय ब्रिक्स, दिस इज लाइनिंग, ब्रिक लाइनिंग, ये आप देख रहे हैं जो, दिस इज ब्रिक लाइनिंग, तो इसको परफेक्टली लाइन किया कि इसमें से कोई भी लीकेज नहीं होती। आज आप इसमें पानी भर दीजिए, इसको स्विमिंग पूल बना दीजिए, इसमें कोई लीकेज नहीं है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंस ऑफ रिचुअलिस्टिक बेदिंग, क्लीनलीनेस in this culture cannot be unseen, so this is very important.
क्लीनलीनेस वॉज इम्पॉर्टेंट, रिचुअलिस्टिक बेदिंग वॉज इम्पॉर्टेंट, जैसे जिसको कहते हैं ना कि कुछ लोग दिवाली वैसाखी पे ही नहाते हैं, तो उस तरीके से आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारे लोग नहा नहीं रहे, एक तरफ हाइजीन का इशू चल रहा है, दूसरी तरफ लोग नहा नहीं रहे, तो रिचुअलिस्टिक बेदिंग हुआ करती थी, क्लीनलीनेस के ऊपर फोकस होता था, मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैड प्राइवेट वेल्स एंड बाथरूम्स, सो अटैच्ड टॉयलेट्स, अटैच्ड बाथरूम्स हुआ करते थे उस समय भी, तो ये आज की कोई नई उपज नहीं है, कोई मॉडर्न वर्ल्ड की सिखाई हुई चीज नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, और क्या क्या चीजें मिली, और मिला हमें सील्स मिली, सील्स जो होती हैं वो जनरली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगती हैं, किस पे लगती हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे जैसे सील्स लगती हैं उसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट इंसिग्निया हुआ करती थी ये सील्स, ये डिफाइन करती थी, ये बताती थी कि आप किस रीजन को बिलोंग करते हैं या क्या इंपॉर्टेंस है इस साल की वगैरह वगैरह। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में या फिर सर्कुलर शेप में हमें ये सील्स मिलती हैं, ट्रायंगुलर शेप में भी मिलती हैं, तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट आ जाए कि क्या भैया सिर्फ ट्रायंगुलर मिलती थी, ओनली वर्ड आ जाए, ओनली सर्कुलर नहीं मिलती थी, या कह लीजिए कि सिर्फ सर्कुलर मिलती थी या सिर्फ रेक्टेंगुलर या सिर्फ स्क्वायर मिलती थी, सर्कुलर मिलती ही नहीं थी, नो सर्कुलर सील हैव बीन फाउंड या नो रेक्टेंगुलर सील हैज बीन फाउंड, तो इस तरीके के सवालों को आपने ध्यान से टैकल करना है, इस तरीके की स्टेटमेंट यहां से उठाई जाती है। पीस ऑफ मटीरियल मेनली रिवर सॉफ्ट स्टोन, ये रिवर सॉफ्ट स्टोन जो होता है ये होता है स्टीयटाइट, ये कुछ हद तक जिसको आप स्लेट कहते हैं ना, स्लेट जो बचपन में हम यूज किया करते थे, ये उस तरीके का एक पत्थर होता है स्टीयटाइट। एविडेंसेस ऑफ कॉपर गोल्ड एंड आइवरी सील्स हैव आल्सो बीन फाउंड, कॉपर के गोल्ड के आइवरी के सील्स मिले हैं। फाइव साइंस और सिंबल्स आर प्रेजेंट ऑन एन एवरेज ऑन अ सील, एज इफ पांच जो है वो किसी तरीके का लक्की नंबर है, दिस इज नॉट अ मेड अप थिंग, ये मेड अप थिंग नहीं है, पांच जो था वो नंबर इंपॉर्टेंट था उन लोगों के लिए। अब ये देख लेते हैं किस किस तरीके के एनिमल्स दिखाई देते हैं, गाय को छोड़ के अजीब अजीब से एनिमल्स दिखाई देंगे, यूनिकॉर्न भी दिखाई देता है, बुल दिखाई देता है, यहाँ पे ये बुल है, राइनोसरस दिखाई देता है, टाइगर दिखाई देता है, एलिफेंट दिखाई देता है, दिस इज एलिफेंट, दिस इज टाइगर, देन बाइसन दिखाई देता है, गोट दिखाई देती है, बफलो दिखाई देती है, ये सब लोग दिखाई देते हैं एक्सेप्ट काउ, गाय नहीं दिखाई देती, ठीक है जी, तो गाय का इशू क्योंकि अभी उठा है, पहले होता तो फिर पहले दिखाई देती। पशुपति सील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सील, पशुपति सील क्या है, इट इज अ सील जिसमें अ सीटेड फिगर ऑफ अ योगी, एक योगी की सीटेड फिगर जिसमें वो बैठे हुए हैं चौकड़ी लगा के आलती पालती मार के, प्रोबेबली लॉर्ड शिवा, शिवा पशुपति, सराउंडेड बाय फोर एनिमल्स, ये चार एनिमल इंपॉर्टेंट है, पहला राइनो, फिर बफलो, फिर एलिफेंट हाथी, और लास्टली शेर टाइगर, देयर आर टू डियर्स एज वेल, दो डियर भी हैं, ऐसे नहीं लगेगा मैंने गलत बोल दिया, टू डियर एज वेल विच आर शोन अंडर द थ्रोन, थ्रोन के नीचे दो हिरन भी दिखाए गए हैं, एंड इसके अलावा यूनिकॉर्न सील भी अलग से देखने को मिलती है, एक यूनिकॉर्न सील भी एग्जिस्ट करती है। चलिए और देखते हैं, अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट कैसी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हरप्पन स्क्रिप्ट बोला जाता है इसे अभी तक फुली डिसाइफर नहीं किया गया है, इट हैज नॉट येट बीन डिसाइफर्ड कंप्लीटली। दूसरी चीज, देर आर अ नंबर ऑफ साइंस विच इज द नंबर ऑफ साइंस इज बिटवीन 400 to 600, ऑफ विच 40 और 60 के करीब जो है वो बेसिक है, बाकी सारे वेरियंट्स हैं, तो बेसिक साइंस है ये सारी, ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो अगर आपको समझ आ रही है तो दैट मींस आप बाकी हिस्टोरियन से काफी आगे हैं, तो आपको इसके ऊपर रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहिए, एंड आपका नाम भी हो जाएगा, यूपीएससी एग्जाम क्रैक भी कर जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जोक्स अपार्ट, इट वॉज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, पहली चीज अगर आप नोटिस करें तो यहां पे पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स का कुछ मतलब होता होगा, इस पिक्चर्स के मतलब को ढूंढा जा रहा है बाय हिस्टोरियंस, बाय लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, एंड इन फैक्ट एक चीज और देखी गई थी कि ये लैंग्वेज जो थी ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, ये लेफ्ट होता है ये राइट होता है, मेरा हो चाहे आपका हो स्क्रीन पे सेम ही रहेगा, तो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, लेफ्ट टू राइट जैसे आप जनरली अभी देखते हैं इंग्लिश लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है, वैसे नहीं लिखी जाती थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर सवाल आ सकता है। इन अ फ्यू लॉन्ग सील्स द बूस्ट्रोफिडन मेथड वॉज यूज, राइटिंग इन रिवर्स डायरेक्शन इन ऑल्टरनेटिव लाइन्स
उसको बोला जाता है बूस्ट ऑफ हिडन मेथड। मतलब ये दो लाइंस हैं, तो यहां पे नहीं लिखा, यहां लिखा, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां लिखा ऐसे ऐसे, एक लाइन बीच में छोड़ दी। तो हम भी जब आंसर राइटिंग में जब आपको जगह भरनी होती थी तो आप जैसे लिखते थे तो उसी तरीके से हम जैसे लिखते थे उसी तरीके से आईबीसी के लोग लिखा करते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि वो उर्दू के स्टाइल में लिखते थे, राइट टू लेफ्ट लिखते थे। एंड दिस इज वन रीजन, ये एक रीजन है कि उर्दू इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्योंकि जो प्रोटो लैंग्वेजेस हैं, जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं, काफी जगहों पे ये नोटिस किया गया है, एक्सेप्ट संस्कृत, संस्कृत वाज रिटन लेफ्ट टू राइट। तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो पुराने समय की, जिनको अभी तक हमने चाहे डिसाइफर नहीं किया, लेकिन उन लैंग्वेजेस में से कुछ एक कल्चरल आस्पेक्ट्स जो है अभी भी किन्हीं किन्हीं लैंग्वेजेस को फ्यूल कर रहे हैं, किन्हीं किन्हीं लैंग्वेजेस के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जो है बनाए बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से उर्दू जैसी लैंग्वेजेस हैं वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है इस डायरेक्शन में। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट इज टेराकोटा फिगरीन्स। तो टेराकोटा एक तरीके का पत्थर कह लीजिए, एक तरीके का बेड क्ले कह लीजिए, पत्थर जैसा उसका टेक्सचर हो जाता था। नाउ टेराकोटा फिगरीन्स बनाई जाती थी, स्कल्पचर्स बनाए जाते थे टू डिपिक्ट सर्टन सीन्स, टू डिपिक्ट सर्टन पीपल। तो दिस टेराकोटा इज नथिंग बट अ फायर बेक्ड क्ले। तो अगर क्ले को फायर में बेक कर दिया जाए, जब भट्टी में उसको जला दिया जाए, उसको बेक कर दिया जाए, तो उससे बनता था टेराकोटा। These figures are handmade, obviously machines नहीं हुआ करती थी उस समय, using pinching methods, मतलब pinch कर करके उंगलियों से जो है वो shapes बनाया करते थे। For example, mother goddess, this is not mother goddess, ये जो मूर्ति है ये mother goddess की नहीं है, mother goddess का था toy cart थी with wheels and movable parts, for example यहाँ पे जो दिखाया हुआ है birds, animals, इन सब की terracotta figurines जो है देखने को मिली है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसी पिक्चर में देखें तो यहाँ पे आप एनिमल्स भी देख सकते हैं, ह्यूमन बीइंग देख सकते हैं कि यहाँ पे वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो लेके जा रहा है, व्हील देख सकते हैं। सो इससे आपको ये पता चल सकता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कंफ्यूजन हो गई कि आईवीसी के लोगों को व्हील का पता था या नहीं पता था। अब अगर फिगर में बनाया है तो पता था भैया, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे, दिस इज अ वेरी इजी वे ऑफ रिमेंबरिंग थिंग्स। नाउ ब्रॉन्ज के भी स्कल्पचर्स मिलते थे, नाउ टेराकोटा के तो मिलते ही थे, टेराकोटा का तो हम देख लिया, अब देखते हैं ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स कैसे थे। नाउ ब्रॉन्ज के जो स्कल्पचर्स थे वो सायर परड्यू टेक्निक से बनाए जाते थे, विच इज ऑल्सो नोन एज द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक में क्या किया जाता था, पहले एक वैक्स का पुतला बनाया जाता था और फिर उसको कोट किया जाता था विद क्ले, एंड द क्ले वॉज अलाउड टू ड्राई, उस क्ले को सुखाया जाता था एंड उसके बाद उसको गर्म किया जाता था, उसे हीट किया जाता था। हीट का सिंबल अगर आपको साइंस याद आ रही हो तो हीट का सिंबल ये से ट्राइंगल जैसा हुआ करता था। तो हीट करने से क्या होता था, क्ले तो सूख चुकी है, क्ले तो अब हार्ड हो चुकी है, लेकिन अंदर जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगी, वैक्स निकल जाती है, इस वजह से वैक्स निकल जाती है, इस वजह से उसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहा जाता है। नीचे एक छोटा सा होल होता है, उसमें से वो वैक्स निकल जाती है, दैट होलो मोल्ड, जब क्ले के अंदर जगह खाली है उसमें भरा जाता है ब्रॉन्ज, मोल्टन ब्रॉन्ज या कोई भी मेटल भरा जाता था, एंड क्ले को बाद में तोड़ के निकाल दिया जाता था, बचा हुआ ठंडा होता था, तो उसमें से ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बना हुआ ब्रॉन्ज स्कल्पचर निकल के आ जाता था। दिस इज अ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ये है डांसिंग गर्ल, doesn't really seem like a dancing girl but she is dancing, ऐसा assume कर लेना आपने। उसके अलावा bearded priest है, उसके अलावा bronze bull भी है, एक bull भी है, एक bearded priest, ये बहुत common है, मोहनजोदड़ो का मिला हुआ है। उसके बाद एक red sandstone का male torso है, male का ऊपर का धड़ का ऊपर का हिस्सा male torso भी मिलता है। चलिए और क्या क्या चीजें मिलती हैं, पॉटरी की अगर हम बात करें तो पॉटरी, ये देखिए पॉटरी के एग्जांपल्स हैं, बहुत फाइन पॉटरी है, इसमें देखिए ये जियोमेट्रिक डिजाइन्स हैं यहाँ पे और दूसरे तरीके के भी डिजाइन्स हैं, लाइंस बनी हुई हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे आप डिजाइन्स देखिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर सवाल आ जाता है कई बार, रेड एंड ब्लैक पेंटेड पॉटरी। अब देखिए कई बार हम कलर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ मैंने पिक्चर्स इसीलिए लगाई हुई है ताकि आपको ये कलर नहीं भूले। तो यहाँ पे आप देखिए रेडिश कलर है, मैं मानता हूं कि पिक्चर में थोड़ा सा कलर क्लियर नहीं दिख रहा है, एचडी नहीं है, अब 4K का जमाना आ गया तो 4K पिक्चर जरूर है नहीं, बट आपको ये समझना है कि ये थोड़ा रेड कलर है जिसके ऊपर ब्लैक कलर से हमने
पेंट किया हुआ है, तो रेड एंड ब्लैक पेंटेड पॉटरी हुआ करती थी। रेड वॉज यूज एज बैकग्राउंड, ऐसा दिख ही रहा है इसमें, और ब्लैक वॉज यूज टू ड्रॉ डिजाइन ऑफ ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल यहां देखेंगे तो इस वाले में ट्री दिख जाएगा आपको, बर्ड्स एनिमल्स, यहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स दिख जाएंगे इस वाले में आपको, ह्यूमन फिगर्स एंड अदर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, तो इसमें आपको ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स दिख जाएंगे, आदमियों वाला भी है कहीं ना कहीं, ठीक है जी। इस पिक्चर में इट मेनली कंसिस्टेड ऑफ व्हील मेड वेयर्स, मतलब जैसे चक्की होती है उसी तरीके से, जैसे एक पट होता है उस पट के ऊपर जो है मिट्टी को घेरा जाता है, उसको लकड़ी के साथ घुमाया जाता है, जैसे आजकल भी पॉट्स बने जाते हैं, पॉटरी की जाती है, उसी तरीके से उसी स्टाइल में इसको भी बनाया जाता था। वेरी फ्यू वर हैंडमेड, तो ये मशीन से बनाते थे। मशीन वॉज यूज, मशीन वो है जो थ्री इडियट्स में एक्सप्लेन की आमिर खान ने, थ्री इडियट्स में आमिर खान ने मशीन का डेफिनेशन दिया था। कोई भी इंसान का काम आसान करे कोई भी चीज, वो मशीन है, ठीक है जी। प्लेन पॉटरी इज मोस्ट कॉमन, इनफैक्ट प्लेन पॉटरी जो है वो ज्यादातर घरों में दिखती थी, हाउस होल्ड में दिखती थी, हाउस होल्ड पर्पजेस के लिए, स्टोरेज पर्पजेस के लिए, जो इतना ज्यादा दिखावे वाली चीज नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में, मेरे घर में भी कुछ ऐसी क्रॉकरी होगी जो दिखावे के लिए अलग होगी, और ऐसी क्रॉकरी होगी जिसमें आमतौर पर आप और हम अपने घर में घर वालों के साथ चाय पीते होंगे, तो लोगों को दिखाने के लिए अलग बर्तन हुआ करते थे पुराने समय में भी, और इस समय में भी होते हैं वो, एंड पुराने समय में भी घर के पर्पज के लिए, हाउस होल्ड पर्पजेज ऑफ स्टोरेज के लिए अलग बर्तन हुआ करते थे, जिसमें ये कोई भी डिजाइन नहीं होता था, प्लेन एंड सिंपल हुआ करते थे। फॉर डेकोरेशन मिनिएचर वेसल्स वर मेड, तो मिनिएचर वेसल्स भी होते थे ये, तो जैसे देखिए स्टोरेज पर्पजेस के लिए हो सकता है, लेकिन छोटे साइज का, इस साइज का अगर मैं कहूं, अगर इस साइज का बर्तन बना दिया तो वो उसका कोई स्टोरेज का पर्पज नहीं होता था, वो डेकोरेशन के लिए होता था। यूज ऑफ परफोरेटेड पॉटरी विद अ लार्ज होल एट द बॉटम, परफोरेटेड पॉटरी होती थी विद अ लार्ज होल एट द बॉटम एंड स्मॉल होल्स ऑल ओवर द वॉल, प्रोबेबली फॉर स्ट्रेनिंग लिकर, तो शराब को छानने के लिए ये इस तरीके की भी पॉटरी बनाई जाती थी, तो उस समय भी मदिरा पान हुआ करता था। लेकिन आजकल लॉकडाउन की सिचुएशन में काफी लोगों को तंगी महसूस हो रही है। ऑर्नामेंट्स दे वर मेड ऑफ वेरी लार्ज वेराइटी ऑफ मटीरियल्स रेंजिंग फ्रॉम मेटल्स यूज होते थे, जेम स्टोन्स यूज होते थे, बोन्स यूज होती थी, दिस वॉज वियर्ड, बोन्स यूज होती थी एंड इवन बेक्ड क्ले वॉज ऑल्सो यूज। तो नेकलेसेस बनाए जाते थे, आमलेट्स बनाए जाते थे, फिंगर रिंग्स बनाई जाती थी, दे वर ऑल कॉमन, आदमी लोग भी पहनते थे, फीमेल्स भी पहनते थे, ठीक है जी। देर आर एविडेंस जहां पे डेड बॉडीज वर बरेड वेर देयर ऑर्नामेंट्स, तो जो है जिसका सामान है वो अपने साथ लेके जाया करता था, नॉट लाइक मॉडर्न टाइम्स जहां पे हम कहते हैं कि जो है यही रह जाना, तो वो लोग साथ लेके जाया करते थे। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। देखिए मेरा ये स्टाइल है पढ़ाने का, आप आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा हो। कारण क्या है कि ये बहुत ही हैवी टॉपिक हो जाता है, एंड आई होप कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कोशिश मेरी ये है कि आप लोगों को ये चीज पसंद आए एंड आपको ये याद रह जाए, हमारा पर्पज यही। चलिए, दे वर कॉन्शियस ऑफ फैशन, फैशनिस्टा थे पूरे, हेयर स्टाइल्स देखे जाते थे, अलग अलग तरीके की दाढ़ी रखते थे, जिस तरीके से आजकल भी रखते हैं, पुराने समय से चला आ रहा है। सिनेबार वॉज यूज्ड एज अ कॉस्मेटिक लिपस्टिक, फेस पाउडर वॉज ऑल्सो यूज, एंड इवन आई लाइनर्स we have found evidences जहां आई लाइनर्स को यूज किया गया है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फैशन भी करते थे, मेकअप के बारे में भी पता था, ऑर्नामेंट्स भी यूज करते थे, और जो ऑर्नामेंट्स थे उनको बरी किया जाता था डेड बॉडीज के साथ ही। अब इकोनॉमिक लाइफ की बात कर लेते हैं, तो इकोनॉमिक लाइफ की अगर हम बात करें तो बेसिक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो थी एग्रीकल्चर, वीट और बार्ले वर द मेन क्रॉप्स ग्रोन बिसाइड सेसमे, मस्टर्ड एंड कॉटन। सेसमे क्या होता है? सेसमे होता है तिल, तो तिल की खेती हुआ करती थी। सरप्लस ग्रेन्स वर स्टोर्ड, तो स्टोरेज भी हुआ करती थी, जैसे हमारे दादी परदादी और हमारे नाना नानी वगैरह ये सब लोग जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जिस तरीके से स्टोरेज किया करते थे, वो सारा प्रोसेस जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से चला आ रहा है। दिस इज इनग्रेन्ड इन आर कल्चर एंड इट इज हाईली अनलाइकली कि ये आगे आने वाले जल्दी समय जो आ रहा है उसमें भी ये निकल जाए। तो अभी आप लोग भी जैसे लॉकडाउन में, जैसे यूएस की अगर हम बात करें तो वो टॉयलेट पेपर को स्टॉक कर रहे हैं,
तो हमें स्टॉकिंग की आदत रही है। कारण क्या है कि हम हमेशा आने वाले कल से घबरा के जिंदगी जीते रहे हैं। एनिमल्स लाइक शीप, गोट्स, बफलो, दे वर डोमेस्टिकेटेड। यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग नहीं है, काफी लोगों को तकलीफ हुई होगी, बट दे वर नॉट डोमेस्टिकेटेड एज ऑफ येट। अभी इसमें यहाँ पे एविडेंस नहीं है, आगे आके बात होगी उसकी। एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड बफलोज, दे वर डोमेस्टिकेटेड। अ नंबर ऑफ अदर एनिमल्स, दे वर हंटेड फॉर फूड, इंक्लूडिंग डियर। डियर को भी हंट किया जाता था फॉर फूड। इसका अगर आपको सिमिलैरिटी ढूंढनी है तो आपको ध्यान होगा रामायण। रामायण में इट वॉज शोन दैट डियर वॉज हंटेड, सो यू कैन ड्राइव आउट अ सिमिलैरिटी। इसमें से आप ड्राइव कर सकते हैं सिमिलैरिटी को कि रामायण वॉज समवट समवेयर क्लोज टू इंडस वैली सिविलाइजेशन इफ इट वॉज रिटन। स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ आर्टिजन्स इंक्लूडिंग गोल्डस्मिथ्स, ठीक है जी, एंड ब्रिक मेकर्स, उनका भी अलग काम हुआ करता था। ये सर्विसेज सेक्टर बता रहे हैं हमें, क्या बता रहे हैं, ये सर्विसेज सेक्टर बता रहे हैं कि उस समय का आईबीसी का सर्विस सेक्टर क्या हुआ करता था। स्टोन कटर्स हुआ करते थे, वीवर्स हुआ करते थे, बोट बिल्डर्स हुआ करते थे, टेराकोटा मैन्युफैक्चरर्स हुआ करते थे। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी आपको बता रहे हैं। सिस्टमेटिक मेथड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, तो वेट्स एंड मेजर्स के ऊपर भी काम होता था। एक चीज का खास ख्याल रखना है जिसके ऊपर एमसीक्यू आता है, वो है 16 के मल्टीपल्स पे, 16 आने सच हम बोलते हैं ना, 16 आने आना, 16 आने सच। तो 16 आना, 16 वॉज एन इंपॉर्टेंट नंबर, अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, एंड इसी के मल्टीपल्स में कैलकुलेशंस हुआ करती थी। बीड्स वर मेड, बीड्स वर मैन्युफैक्चर्ड, बीड फैक्ट्री ऐसा कहा जाता है कि लोथल में पाई गई थी। Beads were manufactured from a wide variety of semi-precious stones. This is also important. चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं थोड़ा और डिटेल में इंटरनल ट्रेड क्या था। इंटरनल ट्रेड बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव था, बहुत ज्यादा पार्ट्स तक फैला हुआ था। इनफैक्ट जहां जहां तक नॉर्थ में आपको पता है मांडा था, साउथ में दायमाबाद था, इधर आलमगीरपुर है और इधर सुतका गंडोर था। तो यहां सारी जगहों तक हमारा इंटरनल ट्रेड फैला हुआ था। अगर फॉरेन ट्रेड की मैं बात करूं तो मैंने पहले ही बताया मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ईरान, इनफैक्ट सारी की सारी जो हमारी एक्सटर्नल हमारी कंटेम्परेरी सिविलाइजेशंस थी उनके साथ हमारा ट्रेड, फॉरेन ट्रेड कंडक्ट होता था। हम ट्रेड किन किन चीजों का करते थे, हम इंपोर्ट क्या क्या करते थे। पहली चीज हम इंपोर्ट करते थे गोल्ड, हमारे पास गोल्ड की कमी थी, कॉपर। अब गोल्ड की कमी क्यों थी, अब काफी लोगों ने केजीएफ मूवी देखी होगी, सब लोगों ने केजीएफ मूवी देखी होगी। तो हमारी एक्सटेंट जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये महाराष्ट्र दायमाबाद में, और केजीएफ जो है कर्नाटका में, एंड केजीएफ इज कोलार गोल्ड फील्ड्स। तो जब गोल्ड ही हमारा दायमाबाद से नीचे पड़ जाता है, हैं, तो फिर हम गोल्ड कैसे एक्सपोर्ट करते, हमारे पास गोल्ड आता तो आता कहां से, इंपोर्ट ही करना पड़ता, अभी तक हम वहां पहुंचे ही नहीं थे, ठीक है जी। दिस इज नॉट अ मेड अप फैक्ट, ये एक्सटेंट हमें बताता है, इस तरीके से आपने याद भी रखना है। सेवरल सेमी प्रेशियस स्टोन्स वर आल्सो इंपोर्टेड। ट्रेड वाज ऑफ बार्टर टाइप, कि आप एक हाथ लेते थे एक हाथ देते थे, पैसा नहीं एग्जिस्ट करता था। मेन एक्सपोर्ट्स, भारत एक्सपोर्ट क्या करता था, ऑब्वियस सी बात है आज भी हम करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते थे, जैसे गेहूं हो गई, बार्ले हो गया, पीस मटर हो गए, ऑयल सीड्स एक्सपोर्ट करते थे। ऑयल सीड्स में सेसमे, अभी बताया मैंने सेसमे तिल को बोलते हैं, एंड अ वैरायटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कॉटन गुड्स, पॉटरी, बीड्स, टेराकोटा फिगर्स एंड आइवरी प्रोडक्ट्स। तो आइवरी प्रोडक्ट्स क्या होते थे, हाथी के दांत, हाथी के दांत दिखाने वाले। नाउ यूज ऑफ बुलक कार्ट्स एंड ऑक्सन, तो बुलक कार्ट्स एंड मिस्टर काउ, तो बुलक कार्ट्स एंड ऑक्सन्स वर यूज्ड फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट। तो घोड़ा बग्गी नहीं होती थी, बैलगाड़ी हुआ करती थी, बैलगाड़ी और बोट्स यूज किए जाते थे, शिप्स होते थे फॉर रिवर्स एंड सी ट्रांसपोर्ट। तो ये इनलैंड वाटरवेज का जो कॉन्सेप्ट है, हम पुराने टाइम से ही इनलैंड वाटरवेज इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते आ रहे हैं, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें थी, सोशल लाइफ देख लेते हैं। हम सोशल लाइफ की अगर बात करें तो मेन एंड वुमेन दे वर इक्वल, मेन वर इक्वल टू वुमेन सोशली। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो थी वो एग्जिस्ट करती थी, काफी हद तक एग्जिस्ट करती थी, बट अदरवाइज सोशल स्टेटस की अगर हम बात करें तो मेन एंड वुमेन वर इक्वल। नाउ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या है,
इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है क्लासेस के ऊपर बेस्ड। तो एक अपर कास्ट क्लास हुआ करती थी, एक लोअर क्लास हुआ करती थी, क्लासेस के अंदर डिफरेंशिएशन। नाउ आदमियों की और औरतों की, मेन एंड वुमेन, दे बोथ ड्रेस्ड इन टू पीसेस ऑफ क्लोथिंग, दो तरीके के कपड़े हुआ करते थे, एक अपर गारमेंट हुआ करता था, एक लोअर गारमेंट हुआ करता था। ज्वेलरीज होती थी, कॉस्मेटिक्स, हाउसहोल्ड आर्टिकल्स भी देखे गए हैं, स्पिंडल्स देखे गए हैं, नीडल्स मिली हैं, कॉम्ब्स मिले हैं, कंघियां मिली हैं। बाल बाने जरूरी हैं, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा हम अगर मेकअप में इतना एडवांस थे कि हम लिपस्टिक यूज कर रहे थे, कि हम दाढ़ी बना रहे थे, तो वी डेफिनेटली नीड कॉम्ब्स, वी नीड फिश हुक्स पर्टिकुलरली फॉर आर hunting activities for example and other activities as well, ye household purposes mein kaam aa raha tha. Knives bhi hame chahiye the kaatne ke liye, and copper was used to make all of these things. Little clay carts, marbles, balls and dice gaming purposes ke liye hua karta tha. Us samay call of duty nahi hua karti thi, na hi pubg hua karti thi. To unka jo time beetta tha wo kanche khelkar beetta tha, balls and dice se beetta tha, क्ले के कार्ड्स बनाया करते थे, तो वो लोग भी खेला करते थे। ऐसा नहीं है कि उनको खेलना गेम्स पसंद नहीं थे, क्रिकेट उस समय हुआ नहीं करता था। फिशिंग वॉज अ रेगुलर ऑक्यूपेशन, कारण क्या था, सब लोग रिवर बेंड्स के आसपास, यहां सेटलमेंट, तो यहां गए फिशिंग कर ली, यहां गए फिशिंग कर ली, तो इस तरीके से चलता था। हंटिंग एंड बुल फाइटिंग वर अदर पास्ट टाइम्स, तो या तो हंटिंग पे चले गए या फिर सांडों की भैंसों की लड़ाई करा दी। तो इस तरीके की फाइटिंग जो आपके स्पोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, ये सारी चीजें समवट सिमिलर फैशन में पहले भी एग्जिस्ट करती थी। इंसानों का इसी तरीके का तजर्बा कह लीजिए, इसी तरीके का लाइफस्टाइल पहले भी रहा करता था उस समय के रिसोर्सेज के हिसाब से। देयर वर न्यूमरस स्पेसिमेंस ऑफ वेपन्स ऑफ वॉर, अलग अलग तरीके के वेपन्स ऑफ वॉर मिले, एक्सेस मिले, स्पीयर हेड्स मिले, डैगर्स मिले, seems like a scene from Assassin's Creed game, bows mile hain, arrows made of copper and bronze, ye sari cheeze mili hain hame. So this tells us ki bhaiya ye itne zarurat se zyada shanti priya nahi the, shanti priya nahi the itna zyada, inke yahan pe bhi ladaiyan hua karti thi. Chaliye aage dekhte hain, religion ki baat kar lete hain. Religion ki agar hum baat kare to male deity जो है वो भगवान पशुपति हुआ करते थे, एंड ये सील्स में भी हमें दिखे हैं। और अगर फीमेल डीटी की हम बात करें तो मदर गॉडेस वाज द फीमेल डीटी, इनकी टेराकोटा फिगरीन्स हमें मिलती है। इन द लैटर टाइम्स लिंग वाज बीइंग वर्शिप्ड प्रिवेलेंट फॉर्म में, लिंग जो था उसकी वर्शिप होनी शुरू हुई थी एट द लेटर स्टेज, जिसको हम लेटर आईवीसी भी बोलते हैं। उस समय में हमारे यहां लिंग की पूजा होनी शुरू हो जाती है, जिसने आज के अब मॉडर्न हिंदुइज्म के जो सनातन धर्म के रिलीजन में फॉर्म लिया है, दैट इज शिवलिंग। ठीक है जी, ट्रीज एंड एनिमल्स वर आल्सो वर्शिप्ड, पेड़ों की, नेचर की पूजा होती थी, नेचर की। ठीक है, नेचर से देखो, रिलीजन वॉज बेस्ड ऑन फियर एट दैट टाइम, ऑनेस्टली फियर बेसिस पे था, कि जिन जिन चीजों से डर लगता था कि ये कुछ नुकसान ना कर दें, एंड जिन जिन चीजों से फायदा होता था, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज से फायदा था, एनिमल्स से कह लीजिए डर भी था और फायदा भी था, तो उन चीजों की पूजा की जाती थी उसी के साथ। तो हरप्पन्स दे वर्शिप ट्रीज एंड एनिमल्स एज वेल, एंड फॉर एग्जाम्पल यूनिकॉर्न की पूजा होती थी, डव की पूजा होती थी, पीपल के पेड़ की होती थी वो आज भी होती है, फायर की होती थी वो आज भी होती है। दे बिलीव्ड इन गोस्ट, भूत प्रेत में विश्वास रखते थे, इवल फोर्सेज में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी ये सब जो आजकल एग्जिस्ट करता है, ये सारी चीजों पे विश्वास करते थे, और इसको दूर भगाने के लिए एमुलेट्स भी पहनते थे एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट देम। तो जैसे आप जो है तिलक लगा लेते हैं, कलीरा पहन लेते हैं वगैरह वगैरह, तो इस तरीके से जो है आज एग्जिस्ट करता है वही सेम प्रोसेस पहले भी एग्जिस्ट करता था। देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज इन द रिलीजन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस एग्जिस्टिंग टुडे। आइडल वर्शिप जो थी उस समय जो प्रैक्टिस की जाती थी थोड़े सेंस में थी, बट इट डिड नॉट कंस्ट्रक्ट टेम्पल्स कहीं पे भी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, नो टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलैरिटी टू हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ टूडे, एंड कुछ हद तक अगर आप बात करें तो कुर्द्स, वहां पे सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, एंड उसके अलावा
पर्शियन। तो जो पर्शियन रिलीजन्स हैं जिसमें आप फायर ऑल्टर्स देखते हैं, तो वो फायर ऑल्टर्स आर बेसिकली अ गिविंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का रिलीजन। नो कास्ट सिस्टम एग्जिस्टेड, ये कास्ट सिस्टम जो है और कुछ नहीं है, एक आम इंसान के शातर दिमाग की उपज है जिसकी वजह से पूरी की पूरी दुनिया परेशान हुई बैठी है। सो नो कास्ट सिस्टम एग्जिस्टेड इन आईवीसी टाइम्स। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें करनी है हमने। बरियल मेथड्स की अगर हम बात करें तो यहां देखिए बरियल मेथड, एक बरियल मेथड यहां दिखा रहा है, क्राउस्ड पोजिशन में है ये। कंप्लीट बरियल होता था, कई जगहों पर क्रिमेशन भी देखी गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां देखें, अर्न्स मिले, मतलब अर्न्स क्या मतलब, थ्री इडियट्स वाला सीन अगर आपको याद आ रहा होगा, लोटे वाला, तो अर्न्स मिलते हैं, वो लोटे को बोला जाता है अर्न। एंड पोस्ट क्रिमेशन सीन्स भी मिले हैं कई जगहों पे, पोस्ट क्रिमेशन भी कई जगहों पे ऐसे मेमोरियल्स बनाए गए। मोहिंजोदारो वॉज पॉपुलर फॉर इट्स बरियल साइट्स। मोहिंजोदारो मीन्स द माउंड ऑफ द डेड, तो इस वजह से ही नाम भी पड़ा है। एट लोथल बरियल पिट वॉज लाइंड विद बर्नड ब्रिक्स, बर्नड ब्रिक्स के साथ बरियल को लाइन किया गया था, इंडिकेटिंग द यूज ऑफ कॉफिन्स। उस समय कॉफिन्स का यूज भी होता था। वुडन कॉफिन्स वर आल्सो फाउंड एट हरप्पा, हरप्पा में हमें वुडन कॉफिन्स भी मिले हैं। ड्यूरिंग लेटर स्टेजेस ऐसे एच सिमेट्री कल्चर के अंदर पर्टिकुलरली इवॉल्व वेयर बॉडीज वर बरिड इन पेंटेड बरियल अर्न्स। ये पेंटेड बरियल अर्न्स के अंदर जो है बॉडीज वर बरिड। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स देख लेते हैं हम सारी की सारी आईवीसी की इंपॉर्टेंट साइट्स देखते हैं। धोलावीरा, धोलावीरा का नाम आपने जब भी हमारे आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन जी का नाम सुना होगा तो आपको याद आता होगा। कुछ दिन तो गुजारिए हमारे गुजरात में, धोलावीरा की उन गलियों में जाके देखिए एटसेट्रा एटसेट्रा। ये गुजरात टूरिज्म की एड जब हमारे बच्चन साहब ने की थी तो उसमें धोलावीरा का नाम बहुत लिया था, इनफैक्ट लोथल का भी नाम लिया था, वो छुपे फॉर्म में लोथल। ये दोनों गुजरात में, सरकोटड़ा अगेन गुजरात, कुंटासी इन गुजरात, पादरी इन गुजरात, तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं गुजरात की। राजस्थान की इंपॉर्टेंट साइट है कालीबंगन, दायमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर यूपी, ये दोनों साइट हमने पहले भी देखी है। कालीबंगन में एक तो बैंगल मेकिंग फैक्ट्री थी, बैंगल मेकिंग फैक्ट्री कालीबंगन, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, आईवीसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फोटो के ऊपर लिख रहा हूं, होपफुली आपको दिख जाए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी। चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट, भगवानपुरा है हरियाणा के अंदर, बनवाली है, राखीगढ़ी है। नाउ राखीगढ़ी वॉज रिसेंटली इन न्यूज, दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द लार्जेस्ट आईवीसी साइट इन इंडिया, लार्जेस्ट आईवीसी साइट है अब राखीगढ़ी। देन जम्मू के अंदर एक माउडा जगह है, माउडा जगह है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस बट माउडा जगह है, ये जगह भी इंपॉर्टेंट साइट है भारत के अंदर। और क्या क्या चीजें देख लेते हैं, अब इस सेशन को यहीं पे ही विराम देना होगा। हम अगले सेशन में जो इंपॉर्टेंट चीजें करने वाले हैं वो है वैदिक कल्चर, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एज, एंशिएंट इंडिया के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। आई होप आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन आज के इस लेक्चर में क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट्स अगर हैं तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडली आपको आज के लेक्चर से पहले वाला जो लेक्चर वन है, दिस इज पार्ट टू ऑफ लेक्चर वन, तो अगर आपको पार्ट वन में भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। मैं अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम देने वाला हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कैपस्टोन आईएएस लर्निंग। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया है हमें, आप लोगों का ये जो प्यार है, ये सपोर्ट है, दिस इज रियली हार्ट वार्मिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।